सौ के आने मालिश हो रही है इसको, उल्टी चड्डी पहन के, हमेशा उल्टे कपड़े पहनता, बनियान भी उल्टी पहनी थी, चड्डी भी उल्टी पहनी। दादी से भी बड़े हो गए। मम्मी जब भी रुद्रांश से मिलती है ना, उसके पैरों की इसी तरीके से मालिश करती हैं, उसको अपने पैरों पे लिटाएंगी, फिर उसकी पूरी बॉडी पे ऑयल लगाएंगी, फिर उसकी मसाज करती हैं, एंड रुद्रांश को भी काफ़ी मज़ा आता है, एंड मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे अभी पूरी फैमिली हो गई है रेडी, हम लोग जा रहे हैं आज दीदी के घर, काफ़ी टाइम हो गया था मिले नहीं थे, और मम्मी पापा भी आए हुए थे, सोचा मिल के आते हैं, एंड मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा, दीदी को भी अच्छा लगेगा मम्मी पापा से मिलके। सो चलिए दीदी के घर, अभी हम लोग जा रहे हैं दीदी के यहाँ, देखो पटेल लगा रहे हैं लॉक, पापा और मम्मी दोनों लिफ्ट से निकल गए हैं, रुद्रांश दोनों को लेके गया है लिफ्ट से, और अभी हम सीढ़ी से जाएंगे, लिफ्ट फ्रेश करूँ, ओके सीढ़ी से चल रहा, देख रहे हो उनके काम, कभी लिफ्ट फ्रेश कर कभी सीढ़ी से चले, बाटर पकड़ लो, काफ़ी टाइम चलता है ना, मैं तो ये तो रक्षाबंधन के दिन गए थे दीदी से राखी बनवाने के लिए, एंड मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ दीदी से मिलने के लिए। सो चलते हैं मम्मी पापा के साथ, दीदी से मिलके आते हैं, रुद्रांश बहुत एक्साइटेड है अपने भाई से मिलने के लिए रॉबिन से, एंड मैंने ना साड़ी पहनी है आज, सोचा हल्की फुल्की साड़ी पहन के चलते हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब सब लोग साथ में होते हैं और टाइम का पता भी नहीं चलता है, एंड रुद्रांश की जो मस्ती रहती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सारी जो शरारतें रहती है मैं सारी कैप्चर कर लूँ, एंड जब वो बड़ा होगा ना और फिर इन सब चीज़ों को देखेगा ना, तो उसको काफ़ी अच्छा लगेगा, एंड दादू दादी के साथ, मतलब जब भी मम्मी पापा आते हैं ना तो वो उनको छोड़ता ही नहीं है, दादू 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 के पीछे ही घूमता रहता है, उसको काफ़ी अच्छा लगता है कि जब तक दादू हैं तो मैं दादू के पास ही रहूँ, दादू मेरे से दूर नहीं जाएँ और मैं दादू से दूर नहीं जाऊँ। सो अभी आज मम्मी और पापा आए हुए थे, सो हम लोग जा रहे थे दीदी के घर, और आज हम मिलेंगे रॉबिन से, और मम्मी भी बहुत, मतलब काफ़ी टाइम बाद रॉबिन से मिलेंगी, सो मम्मी भी बहुत एक्साइटेड थी दीदी से मिलने के लिए। सो हम लोग पहुंच गए हैं दीदी के मेडिकल जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, सो चलिए अंदर चलते हैं दीदी के मेडिकल के। कौन है ये? मम्मा। रॉबिन ने मुझे देखा ना तो पहले तो स्माइल करने लगा, फिर उनको लगा ना बहुत सारे लोग आ गए ना, तो फिर पता है किसी के पास मैं भी नहीं आ रहे थे, अपनी मम्मा के पास ही जा रहे थे, और रोने लग गए जोर जोर से, और फिर पता है जब थोड़ा सा रुद्रांश को देखा ना, बोलते हैं ना बच्चों को बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है ना, रुद्रांश को जब देखा ना तो रुद्रांश के साथ थोड़ा सा खेलने लगे, फिर थोड़ा सा ठीक हो गया था, बट पता नहीं बहुत रो रहे, बच्चों का रहता है ना फैमिली में बहुत सारे लोगों के बीच रहते हैं ना, तो थोड़ा उनको हैबिट रहती है, बट जब अकेले रहते हैं फिर इतने सारे लोगों को एक साथ देख लेते हैं ना, तो ऐसे ही बच्चे थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो देखिए यहाँ पे मेरे पास थोड़ी देर आए, फिर बस रुद्रांश के पापा के पास हो गए, बाकी मम्मी एंड पापा के पास तो वो जा ही नहीं रहे थे। सो यहाँ पे हम थोड़ी देर मेडिकल पे रुके, अच्छा नहीं लगता ना कस्टमर आते हैं, तो हम लोग फिर थोड़ी देर के लिए घर गए, वहाँ पे दीदी को जाना था शाम के टाइम पे, क्योंकि वो शाम के टाइम में खाना बनाने के लिए घर जाती हैं, सो सोचा थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा दीदी से बात करने का, एंड रॉबिन के साथ भी रुद्रांश खेल लेगा, और रुद्रांश और रॉबिन की मस्ती भी मिल जाएगी देखने के लिए। सो वहाँ पे दीदी ने खाना बनाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने दीदी को मेडिकल पे आके छोड़ा, थोड़ा सा हम लोगों को भी बात बात करने का टाइम मिल गया था, और अभी हम लोग निकल आए हैं घर के लिए, और ये देखिए निकलते निकलते हमको भी काफ़ी टाइम हो गया था, 9 बज रहे थे करीब, और सो चलिए चलते हैं हम भी घर पहुंचते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। मम्मी ने इतनी ड्रेसें पहनी तो इतनी ड्रेसों के बाद एक ड्रेस सेलेक्ट कर पाई, ठीक है ना, यहाँ इसकी कॉलर सही करो, तो मम्मी का मेरा नाप, मैं थोड़ा सा लूज पहनती इसलिए मम्मी को ये ड्रेस आ गई है, चलो ठीक है ठीक है, कॉम कर लो, गर्मी लग रही, हम लोग जा रहे हैं मंदिर घूमने के लिए शाम के टाइम में, 6 बजे मंदिर जा रहे हैं, दिन भर से बहुत बिजी थे क्योंकि लूडो खेल रहे थे इसलिए। मम्मी आपके बाल काट दूंगी मैं, पूछे जैसी हो रही है, देखो ना भर गई पसीना से तो चोर बोल रहे हैं। यहाँ पे चल रही है मशीन, ये धुल रहे हैं कपड़े, चुन्नी कहाँ चली गई, चुन्नी उधर रूम में रखी थी ना,
ये गुलाबी वाली डाल के लेके जाओगे? कौन सी? ये वाली गुलाबी की और दूसरी ऐसे डालो, कैसी लग रही है? चलो हम रेडी हो गए, ये देखो हम ऐसे ही पहन के जा रहे हैं डीले डाले। आज मम्मी भी प्लाजो पहन के जा रही, मैं भी। मंदिर जाते जाते ना अंधेरा ही हो गया। ये देखो इसको क्या लेके आए हो? फॉइल पेपर। हाँ, थर्माकोल लेके आया है, तोड़ तोड़ के सड़क पर फैला रहा है। डर ही लगता है इसको, जब सब लोग साथ में होते हैं ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता, सुबह से शाम कब हो जाती है। और शाम में फिर हम लोगों ने सोचा मम्मी पापा को थोड़ा सा घुमा के लेके आते हैं, पास में ही मंदिर है, सो वहाँ पे गए, थोड़ा बहुत घूमा हम लोगों ने। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं, घर के लिए कुछ ग्रॉसरी लेनी थी, सो यहाँ से सामान वगैरह हमने खरीदा। एंड रुद्रांश को ना बैलून वाला दिख गया था वहाँ टेम्पल के बाहर, सो उसने अपने लिए इतना बड़ा बैलून ले लिया। और रुद्रांश की हमेशा डिमांड रहती है, जहाँ पे भी जाता है उसको मीठा चाहिए रहता है, सो ये देखिए मीठे में क्या लेना, उसको बिस्किट लेना है मीठे वाले, सो मम्मा मैं ये ले लूँ। और उसने फाइनली वो बिस्किट ले भी लिया, क्योंकि दादू के सामने हमारी नहीं चलती है। और यहाँ पे दादू मैं ये ले लूँ, भगवान जी ले लूँ, दादू मैं ये बुक ले लूँ, बट उसके काम की एक भी चीज़ नहीं बोली, बिस्किट बोला था, सो बिस्किट हम लोगों ने ले लिया था। और पता है गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, सो मम्मी को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो हम थोड़ा बहुत बस मंदिर घूमे एंड उसके बाद सामान लेके फिर हम लोग घर आ गए थे। सो यहाँ पे देखिए मम्मी की हालत देखी ना, बहुत मतलब मम्मी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। क्यों गर्मी लगाई? बैठ जा थोड़ा। हाँ अरे फेंक दी जाती है घर की है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो मम्मी ने और मैंने दोनों ने शावर ले लिया है। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, सो थोड़ा बहुत सुबह का खाना रखा हुआ था एंड वो गरम किया और थोड़ा बहुत और बनाया, सो यहाँ पे अभी मैं बना रही थी किचन में रोटियाँ। मम्मी भी आ गई, मम्मी भी यहीं खड़ी थी, सो मैंने मशीन में ना कपड़े लगाए हुए थे, सो मम्मी बोलती मैं बाहर डाल के आती, मैंने कहा नहीं मम्मी मैं डाल आऊँगी। और सो मम्मी वहाँ पर जाके सोफे पर बैठ गई और अभी यहाँ पर मैं रोटियाँ सेकूँगी और इस वीडियो का मैं यहीं पैंड करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, फिर खाना वगैरह खाया और उसके बाद फिर मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। और पता है सच बताऊँ ना, मम्मी पापा आते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है एंड मतलब मेरा ध्यान ही नहीं जाता कि मैं कुछ शूट करवाऊँ, वो थोड़ी बहुत क्लिप रहती है ना, तो वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग मुझे ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।